लतवा न्यूज के स्टूडियो से नवीनतम अपडेट। कस्टम्स कमिश्नरेट प्रिवेंटिव शिलांग के अधिकारियों ने 22 नवंबर की शाम को सिलचर से आने वाली अवैध दवाओं की एक खेप के बारे में विशेष जानकारी पर कार्रवाई करते हुए शिलांग के नोंगमिनसोंग में एक टाटा पंच कार को रोका। पूरी तरह से निरीक्षण करने पर वाहन के डैशबोर्ड के अंदरूनी हिस्से में छिपाए गए 30 साबुन के डिब्बे पाए गए, जिनमें हेरोइन के लिए सकारात्मक परीक्षण किए गए लगभग 370 ग्राम गुलाबी रंग का पाउडर पदार्थ था। कार में सवार दो व्यक्तियों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया और जांच जारी है। जब्त हेरोइन की अनुमानित कीमत लगभग 2.59 करोड़ रुपये है। सीमा शुल्क ने सोने, सिगरेट, ड्रग्स और नशीले पदार्थों की तस्करी, वन्यजीव लेख, नकली भारतीय मुद्रा नोट, आयात निर्यात धोखाधड़ी और व्यापार आधारित मनी लॉन्ड्रिंग सहित सीमा पार अपराध के विभिन्न रूपों से निपटने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। लतवा न्यूज के स्टूडियो से नवीनतम अपडेट।